डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए। नाइन्थ क्लास के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ना अभी नाइन्थ क्लास के लिए साइंस में एक बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल के बारे में। ठीक है, तो अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को पढ़े हैं। अब आइए आज हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी के बुक्स में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्वेश्चन ये बोलता है, पहले समझ लीजिए चीज़ों को, कि एक तरफ प्रोकैरियोटिक और एक तरफ यूकैरियोटिक्स। तो हम लोगों ने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, तो वही सवाल भी बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको जो है डिफरेंस बताना है। ठीक है, और कुछ डिफरेंस बुक में लिखे हुए हैं और कुछ डिफरेंस फिल इन द ब्लैंक्स करके छोड़ा हुआ है हमें भरने के लिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखा जाए यहाँ पे, फिल इन द गैप्स बिटवीन बिटवीन सॉरी फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल, क्वेश्चन में लिखना है फॉलोइंग टेबल इलुस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन, इलुस्ट्रेटिंग मैंने बताइए, ठीक है, अंतर बताइए, इलुस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक तरफ लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, एक तरफ लिखा है यूकैरियोटिक सेल। तो पहला अंतर, पहला डिफरेंस, तो इधर भी पहला लिखेंगे, इधर दूसरा तो इधर भी दूसरा, ठीक है, इधर तीसरा तो इधर भी तीसरा, ऐसे हम लोग डिफरेंस करते हैं। फिलहाल जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलुस्ट्रेट करना है डिफरेंस किसके किसके बीच, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का सेल क्या है, इसके बीच में तो डिफरेंस बताना ही है। दूसरी बात, सवाल में फिल इन द गैप्स बोला है, मतलब ये कि कुछ डिफरेंस जो है ना बुक में लिखा हुआ है, जैसे पहला साइज के बारे में लिखा है, ये बुक में दिया हुआ है तो हमें यहाँ गैप नहीं दिख रहा है तो छोड़ देंगे इसको। यहाँ पर लिखा है जनरली स्मॉल, जनरली स्मॉल, ब्रैकेट में लिखा है 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर, जहाँ 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है 10^-6 मीटर। फिर पहला दिया है और इसके साइज के बारे में बोला, यानी यूकैरियोटिक का जो साइज होता है वो क्या होता है, जनरली लार्ज होता है, जनरली लार्ज, यानी कि 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर। ये देखिए छोटा है, ये 1 से 10 के बीच में होता है, लेकिन इसका साइज 5 से 100 के बीच में होता है, तो जनरली लार्ज हो गया, ये जनरली स्मॉल। तो पहला में हमें कुछ नहीं भरना था, ये बुक्स में दिया हुए थे, बुक्स में ये डिफरेंस दिया हुआ है। अब हम आते हैं दूसरा पे, दूसरा में इधर लिखा है न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर रीजन, अब इसका न्यूक्लियर रीजन बताना है कि क्या होगा। हालांकि इधर हमको गैप मिला है, इधर गैप है, और गैप कर कर के यहाँ लिखा है एंड नोन एज फिर से खाली स्थान दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरा वाला डिफरेंस करने में
कि न्यूक्लियर रीजन क्या होगा, इस इधर गैप्स है एंड नॉन एज, इधर भी गैप्स है, लेकिन दूसरा वाला में हम लोगों को ये डिफरेंस पूरा कर दिया है। इसका जो न्यूक्लियर रीजन है इसमें पूरा पूरा सब चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है लिखेंगे, सेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, सराउंडेड बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दूसरा हम लोगों का पूरा पूरा फुल्ली दिया हुआ है। अब रहा बात कि इसमें क्या करेंगे न्यूक्लियर रीजन में, इसमें तो इसमें लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पे गैप्स है ना, तो गैप्स में हम लोग आंसर लिखेंगे। तो यहाँ जो गैप्स है इस गैप्स में लिखेंगे पुअरली, इसका पुअरली डिफाइंड होता है, इसका न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है पुअरली डिफाइंड, तो लिखेंगे पुअरली डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे गैप्स दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा बुक्स में भी, तो यहाँ गैप्स है, सिर्फ लिखा है एंड नॉन एज, फिर गैप्स है, यहाँ तक हमें गैप्स में भरना है, यानी कि ये दोनों में डिफरेंस बताना है, ये तो सही है। लेकिन जहाँ गैप्स है वहीं हमको भर के और डिफरेंस को दिखाना है। यहाँ गैप्स है दूसरा में, इसको पूरा करेंगे, लिखेंगे पुअरली डिफाइंड कॉमा नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे सराउंडेड होता है, यहाँ पे सराउंडेड नहीं होता है, इसीलिए इसको पुअरली डिफाइंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे पुअरली डिफाइंड कॉमा नॉट डिफाइंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है, NUCLEOID न्यूक्लियोइड। तो ये दूसरा हो गया, और तीसरा में हमें यहाँ पे तीसरा क्रोमोसोम के बारे में बोला है कि इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम सिंगल होते हैं, ठीक है, ये सवाल में हमें दिया है, यहाँ गैप उप कुछ नहीं है। इसमें लिखा है तीसरा में कि इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं मोर देन वन सेल, यानी कि एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मोर देन वन सेल, यानी कि वन से, इसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है सिंगल, वन क्रोमोसोम लिखिएगा, सेल नहीं, क्रोमोसोम। इसमें याद रखिएगा सिंगल होता है, ये भी हमें बुक में दिया हुआ था, और तीसरा वाला में भी, इसमें भी सवाल में दिया है मोर देन वन क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम से, एक क्रोमोसोम से ज़्यादा होता है। तो तीसरा में भी हमें गैप नहीं छोड़ा गया है बुक में, जहाँ हमें गैप रहेगा वही हमें भरना है, ठीक है, जहाँ हमें गैप रहेगा वही हमें भरना है। चलिए अब हम लोग चौथा में आते हैं, चौथा में इधर एक तरफ चौथे में पूरा पूरा डिफाइंड कर दिया है, और दूसरे तरफ का बात करें तो पूरा का पूरा छोड़ दिया है, यानी कि यहाँ पे गैप हमें मिलेगा। तो चौथा में एक तरफ क्या लिखा हुआ है उसको लिखिएगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट। एक तरफ दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये चीज़ लिखा हुआ है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल यहाँ पे
अब्सेंट होता है, नहीं होता है। और यहाँ पे एक तरफ दूसरे तरफ जो चार नंबर में है, इधर हम लोगों का पूरा गैप है। मतलब यहाँ पे आपको लिखना है, तो हम लोग क्या देखते हैं डिफरेंस में, एक तरफ का उल्टा होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट के जगह पे अब्सेंट का उल्टा प्रेजेंट, यानी कि प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है। सब चीज़ भाई लिखेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, आर इसमें प्रेजेंट हो जाएगा बस, ठीक है, इसमें प्रेजेंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से था, और एक ही क्वेश्चन था इस एनसीईआरटी के अंतर्गत एक क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग एक टॉपिक्स देंगे जिसका नाम है सेल ऑर्गेनेल्स। स्पेशल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर इनका क्या डिफाइन है, तो उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे फर्स्ट एरो एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर फॉलोइंग। फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स आर फॉलोइंग। पहला आर फॉलोइंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार कौन कौन सा है जरा देखिएगा। पहला है इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला का नाम है इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग ईआर भी पूरा नाम बोलते हैं। अगर इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में बोला जाए, क्या बोल सकते हैं इसको, ईआर, ठीक है। दूसरा है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तीसरा है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, और चौथा है माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सौर सेल ऑर्गेनेल्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स के टोटल टाइप्स कितने हैं, चार टाइप्स के हैं। पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस, फिर लाइसोसोम्स, फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। यानी कि कुल मिलाकर सेल ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, तो यही चार टाइप्स को हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत पढ़ते हैं या रखा गया है। अब हम लोग डीपली समझेंगे कि आखिर ईआर क्या है, ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आखिर गोल्जी एपरेटस क्या है, लाइसोसोम्स क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स क्या है, ठीक है। तो चलिए अब टॉपिक नया देंगे हम लोग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ईआर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब ईआर के बारे में पढ़ेंगे स्पेशल टॉपिक देके, जिसका पूरा नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रेटिकुलम का स्पेलिंग गलत हो गया, रेटिकुलम, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसके बारे में हम लोग पॉइंट वाइज डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए फर्स्ट एरो देकर, ईआर इज ए, ईआर, ईआर, ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में लिखेंगे
ईआर इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। चलिए हम लोग देखेंगे कि आखिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ईआर क्या है। तो ईआर जो है एक लार्ज नेटवर्क होता है, जैसे कि आप जाल देखते हैं ना, बहुत सारा ऐसे ऐसे जाल रहता है, फिर आगे बढ़ते जाता है। तो ऐसे ही एक नेटवर्क होता है, किसका? ईआर। ईआर एक नेटवर्क है बहुत लार्ज नंबर में, ठीक है। एक लार्ज नेटवर्क होता है ईआर, जो किसी भी सीट्स या ट्यूब्स के ऊपर बाउंड होता है। बाउंड का मतलब घिरा हुआ रहता है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ईआर क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ, तो यह एक सबसे बड़ा लार्ज नेटवर्क है जो किसी भी ट्यूब्स या सीट्स के ऊपर घिरा हुआ रहता है, ये चारों तरफ बाउंड रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा एरो, सेकेंड एरो देकर लिखेंगे। द ई आर मेम्ब्रेन इज, द ई आर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि हम लोग सबसे पहले तो सीखे कि ईआर जो है सबसे लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन का, जो किसी भी शीट्स या ट्यूब्स के ऊपर बाउंड रहता है, के बाद से बाउंड रहता है। लेकिन ईआर मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। यानी कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वैसे ही ईआर भी एक मेम्ब्रेन होता है। यानी कि ईआर मेम्ब्रेन को हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा है, ठीक है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हो रहा था, एक सेल को रक्षा के लिए चारों तरफ से बाउंडेड हो रहा था, वो भी एक नेटवर्क ही था, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ईआर मेम्ब्रेन को, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन को हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कम नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि आखिर ईआर के कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर, नेक्स्ट एरो में देखिए लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर। नंबर वन आर ई आर, देखिए पहला का नाम है आर ई आर, दूसरा का नाम है एस ई आर, ठीक है। अब रहा बात की सर ई आर के, तो दो टाइप्स है, ये तो समझ में आ गया, कौन कौन से? आर ई आर, एस ई आर। अब आर ई आर का मतलब क्या है? तो आर ई आर का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ए सी आर का मतलब होता है अश्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए द राइबोसोम, द राइबोसोम, राइबोसोम का स्पेलिंग RIBOSOME, द राइबोसोम कॉमा
कॉमा विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल आर द साइट्स ऑफ आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर ठीक है, क्या लिखे हम लोग कि राइबोसोम जो है सभी सेल में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनल्स सभी सेल में एक्टिव सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो राइट आंसर इज राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर, जहाँ राइबोसोम में क्या होता है, इसके हर साइट पे हर भाग पे प्रोटीन्स बनते हैं, यानी कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। कहाँ पे? तो राइबोसोम पे प्रोटीन्स का निर्माण होता है, जो हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे नेक्स्ट एरो देकर द एस ई आर मतलब दोस्तों स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द एस ई आर हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स कॉमा और लिपिड्स इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन चलिए हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि ए सी आर का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हेल्प्स करता है फैट मॉलिक्यूल्स को बनाने में, यानी कि वसा को बनाने में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूज किया जाता है। यानी ए सी आर कहाँ पर हेल्प्स होता है, तो फैट मॉलिक्यूल्स को बनाने में या लिपिड्स को बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल्स अदा करता है सेल फंक्शन के तौर पे। यानी आप इतना बात याद रखिए कि जो ए सी आर होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, वो क्या होता है, तो ये फैट मॉलिक्यूल्स को बनाने में हेल्प्स करता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन कॉमा द प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, अब देखिए क्या बोला कि कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी
लिपिड एंड प्रोटीन हैं जो बिल्ड करते हैं, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, ठीक है, जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी लिपिड एंड प्रोटीन हैं, ध्यान दीजिएगा, लिपिड एंड प्रोटीन कुछ ऐसे भी हैं जो किसका निर्माण करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं, उसी को मेम्ब्रेन बायोजेस्टिसिस कहते हैं, बायोजेनेसिस कहते हैं, सॉरी। तो अगर कोई बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोजेनेसिस, हम बोलेंगे कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, मतलब सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प्स करते हैं, मदद करते हैं, बनाते हैं क्या, तो कुछ प्रोटीन और लिपिड्स मिलकर सेल मेम्ब्रेन का बिल्ड करते हैं, बिल्ड मतलब बनाना, उसी से भी फॉर है बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यानी कि सिंपल वे में बात किया जाए तो बायोजेनेसिस क्या है, तो बायोजेनेसिस मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, कुछ ऐसे भी हैं लिपिड और प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं, बिल्ड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाते हैं। फिर से नेक्स्ट एरो देंगे, कुछ बात अभी लिखेंगे, किस में भी हम लोग चल रहे हैं, ईआर में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिखा लिखा जाए, इन द लीनियर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ, इन द लीनियर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल एनिमल आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे लीनियर सेल, लीनियर सेल का मतलब ऐसे ऐसे लीनियर सेल पाए जाते हैं, ये किस में पाए जाते हैं, तो एक ग्रुप में पाए जाते हैं एनिमल में, ठीक है, यानी कि हम सिंपल वे में एनिमल में पाए जाने वाले लीनियर सेल को वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। लीनियर, देखिए लीनियर कहाँ से आया है, लीनियर जो है लाइन से आया है, और लाइन का मतलब होता है रेखा, यानी कि एक सीधा लाइन। तो उसी तरीके से आपको जानना चाहिए कि वर्टिब्रेट्स क्या है, देखिए नया नया नाम आ रहा है, आप इन चीज़ों को याद रखिएगा कि वर्टिब्रेट्स किसको कहते हैं, तो इन द लीनियर सेल, लीनियर सेल कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल में, तो एनिमल में पाए जाने वाले लीनियर सेल को हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए एस ई आर, एस ई आर मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ए सी आर प्लेज अ, प्लेज अ, प्लेज अ क्यूरुशियल, क्यूरुशियल रोल इन, रोल इन डिटॉक्सिफाइंग, डिटॉक्सिफाइंग, डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजंस, मैनी पॉइजंस एंड ड्रग्स, एंड ड्रग्स। चलिए क्या बोल रहा है कि अब ए सी आर का मेन काम क्या है, तो ए सी आर का जो मेन काम है वो क्या है, हम लोग के शरीर में, बॉडी में कुछ बोल सकते हैं कि कुछ पॉइजन्स बनते हैं, या फिर हम लोग कुछ ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, कुछ पॉइजन्स बनता है ऑटोमेटिकली, या फिर कुछ ड्रग्स दवाइयाँ लेते हैं, तो उससे जो हम लोगों की बॉडी में जो क्षति होती है, हानि होती है, तो उसको बचाने के लिए क्यूरेशियल रोल प्ले करता है, यानी कि ए सी आर का, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सबसे बढ़िया प्ले है क्रूशियल रोल में, जो डिटॉक्सिफाइंग का मतलब होता है कम करता है, कौन सा, हमारे शरीर में मौजूद पॉइजन्स एंड ड्रग्स, यानी कि कोई ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है,
या फिर जो ज़्यादा दवाई खाता है, तो उसकी मात्रा को, उसके जो उसके द्वारा जो साइड इफेक्ट पड़ता है उसकी मात्रा को कौन कम करता है, दैट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग टाइप्स पढ़े, लेकिन अब RER का के बारे में नहीं पढ़े, तो इसमें से और कुछ पॉइंट्स हम लोग अगले दिन करेंगे जो RER के बारे में पढ़ेंगे कि RER का हेल्प्स या फिर वो क्या होता है, उसका यूज कहाँ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।